पूर्वोत्तर रेलवे अपने यात्रियों को बेहतर एवं पारदर्शी सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी संबंध में कुछ ट्रेनों में कंडक्टर को HST डिवाइस दिया गया है। यह जानकारी देते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया है कि पहले चार्ट द्वारा टिकट कंडक्टर यात्रियों के सीटों को चेक करते थे, लेकिन HST डिवाइस द्वारा आरक्षण चार्ट देकर सीट के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सी सीट खाली है या कौन सी सीट RAC है। अब पूरा का पूरा आरक्षण चार्ट डिवाइस के माध्यम से देखा जा रहा है। अगर सीट बुक करने के बाद यात्री नहीं आता है तो खाली सीट को डिवाइस के माध्यम से ऑटोमेटिक अनकंफर्म यात्री को कंफर्म टिकट होने का मैसेज चला जाएगा। इससे कंडक्टर किसी और को सीट नहीं दे पाएंगे। रेलवे के इस प्रोजेक्ट से यात्रियों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, रेलवे यात्रियों को बेहतर एवं पारदर्शी सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है और उसी दिशा में कुछ ट्रेनों में हम लोगों ने कंडक्टर्स को HST डिवाइस देने शुरू किए हैं। HST डिवाइस मतलब हैंड हेल्ड टर्मिनल, ये टैबलेट की तरह होता है, मोबाइल से थोड़ा बड़ा, जिसमें जो पहले आरक्षण चार्ट लेकर कंडक्टर जाते थे, अब वो डिजिटल फॉर्मेट में हमने कर दिया है। अब उस डिवाइस में देखकर आरक्षण चार्ट उस डिवाइस में वो देख सकते हैं कि कौन सी सीटें खाली हैं, कौन सी सीट भरी हुई है, कौन सी सीट पर कौन बैठा हुआ है, यानी कि जो पूरा का पूरा चार्ट आरक्षण चार्ट था वो अब HST के माध्यम से लेकर जा रहे हैं। तो इससे एक ये व्यवस्था भी पेपरलेस हो गई है। इससे यात्रियों को जो सुविधाएँ मिली हैं वो इस प्रकार से हैं कि अगर कोई यात्री किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, वो टर्न अप नहीं होता है, कंडक्टर देखता है कि इस जिस यात्री को आना था वो नहीं आया, तो खाली सीट को वो जैसे ही उस डिवाइस में नॉन टर्न अप भरेगा, वैसे ही जो RAC में यात्री होंगे उनको कंफर्म टिकट का मैसेज चला जाएगा और उनकी सीट वहाँ पे कंफर्म हो जाएगी। तो जो पहले कंडक्टर उस सीट को किसी को दे सकते थे, अब वो अधिकार उनके पास नहीं रहा, उनको उसको पारदर्शी तरीके से उसमें भरना है, जिससे कि जो सीट जो भी अगला RAC यात्री हैं उनको मिल जाए या फिर नेक्स्ट स्टेशन पे वो सीट शो करेगा, जो करंट रिजर्वेशन के माध्यम से भी लोग वहाँ पे बुकिंग करा सकते हैं। तो लगातार रेलवे यात्रियों को बेहतर और पारदर्शी सुविधाएँ देने के क्रम में ये भी कार्य हुआ है, इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी।